نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني جنت جس دن آئے حسنین دی امائے آکھو سبحان اللہ تھوڑا جو ہور ہولی آکھو سبحان اللہ سب کہیں سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ
कि हजरत सैयदा फातिमा तज़्ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है सुभान अल्लाह। तो आप सब मोहब्बत के साथ अहले बैत का जिक्र सुनने आए हैं, तो मोहब्बत के साथ आपने सुभान अल्लाह कहना है कि जन्नत जिस दिन आए हसनैन दी उमाए, जन्नत जिस दिन आए हसनैन दी उमाए, जो रहमता दी छाए हसनैन दी उमाए, ए दीन है मोहम्मद ते ईमान है मोहम्मद, ए दीन है मोहम्मद ते ईमान है मोहम्मद, हर जान दी मैं सुने खुद जान है मोहम्मद, हर जान दी मैं सुने खुद जान है मोहम्मद, मोहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दी उमाए, मोहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दी उमाए, जो रहमता दी छाए हसनैन दी उमाए, हर एक निशान पड़े जहरा दा पाक पल्ला, हर एक निशान फड़े जहरा दा पाक पल्ला, परदान शीन जोने उना और दादी वल्ला, परदान शीन जोने उना और दादी वल्ला, जो अमीर कारवाए हसनैन दी उमाए, जन्नत जिस दिन आए हसनैन दी उमाए, जो रहमता दी छाए हसनैन दी उमाए। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। तमाम किस्म की हमद सना तारीफ़ात तमजीदात किबरियाई बढ़ाई यकताई और शहनशाही उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, दाता भी है, मुश्किल कुशा भी है, हाजत रवा भी है और बिगड़ी को बनाने वाला भी है। दाता भी वही है, गौसे आज़म भी वही है, दस्तगीर भी वही है, लजपाल भी वही है, जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर देता है, जिसे चाहता है उरूज अता करता है और जिसे चाहता है पस्ती अता कर देता है, जिसे चाहता है ज़िंदगी अता करता है और जिसे चाहता है मौत की नींद सुला देता है,
जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां अता कर देता है, जिसे चाहता है बेटे और बेटियां मिलाकर अता कर देता है, और जिसे चाहता है कुछ भी अता नहीं करता। वो अपनी मर्जी का आप मालिक है, उसे किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ऐसा करूं या कि ना करूं, वो अपनी मर्जी का मालिक है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्ला, इस सारी कायनात के अंदर अकेले मेरे परवरदिगार का आर्डर चलता है, अल्लाह का हुक्म चलता है। आपके इस बहुत बड़े मुल्क, मुल्क के किसी बहुत बड़े शहर, शहर के किसी गांव, गांव के किसी बस्ती के कोहने पे लगा हुआ दरख्त, दरख्त पे लगी हुई टहनी और टहनी पे लगा हुआ पत्ता भी मेरे रब के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता है। दरुद व सलाम आकाए दो जहां इमामुल अव्वलीन इमामुल आखरीन सय्यदना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई है कि हम उसके घर में बैठ कर के जुम्मतुल मुबारक अदा कर रहे हैं। दुआ कीजिए कायनात का परवरदिगार हमारा आना बैठना सुनना और सुनाना और हमारे भाई जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया और मोहतरम जनाब मेरे प्यारे भाई जान जिन्होंने बड़ी मेहनत करके आज के इस खुतबे का एहतमाम किया, हज़रत मौलाना रेहान असलम साहब जिन्होंने मुझे हुक्म फरमाया और एक साल से मुझे हुक्म फरमा रहे हैं कि जब भी आपका वक़्त खाली हो तो आपने हमें देना है। दुआ कीजिए कायनात का परवरदिगार इस मरकज़ को रहती दुनिया तक आबाद फरमाए और जो इनके माली हैं जो इसको आबाद करने वाले हैं अल्लाह उनको भी आबाद फरमाए। हज़राते गिरामी कदर अहले बैत हुजूर अलैहिस्सलाम का घराना हुजूर दे घर की गल करनी है। हज़राते गिरामी कदर हर बंदा खुश होंदा है जदों उनके घर की गल की जाए, जदों उनके अपनों की गल की जाए तो बंदा खुश होंदा है कि मेरे अपनों का जिक्र हो रहा है। तो अज गल करनी है हुजूर दे घर की गल करनी है, हुजूर दे घर वालों की गल करनी है, अहले बैत की गल करनी है। और इंशाअल्लाह मैं बड़े जल्दी के साथ मैं आज के खुतबे को इसी तरतीब से लेकर के चलता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है पहले हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा, फिर हजरत मौला अली शेर खुदा, फिर हजरत हसनैन करीम है, इन चारों की असमत बयान करके इंशाअल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी। हजरत गिरामी कदर इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मोहब्बतुहुम फर्ज़ुन वाजिबुन युजरु अलैह। आप फरमाते ने तुसी भी सोचते होवोगे कि मौलाना रेहान साहब ने इजरा पाबंद किया है कि अहले बैत बयान करनी है, आखिर इसकी वजह की है, अहले बैत क्यों बयान कर रही है। इमाम साहब फरमाते ने मोहब्बतुहुम फर्ज़ुन वाजिबुन, अहले बैत नल मोहब्बत रखना फर्ज है, हर मोमिन मुसलमान के उत्ते अहले बैत नल मोहब्बत रखना फर्ज है, और सिर्फ फर्ज नहीं है वाजिब भी है, और सिर्फ वाजिब नहीं है। हाँ हाँ जड़ा बंदा अहले बैत नल प्यार रख दे, जड़ा बंदा अहले बैत नल मोहब्बत रख दे उसनू मिलेगा कि आप फरमाते ने यू जरू वाले, आप फरमाते ने जिमें बंदा नमाज पढ़ दे उसनू अजर मिल दे, जिमें बंदा कुरान पढ़ दे उसनू अजर मिल दे, जिमें बंदा हज उमरा कर दे उसनू अजर मिल दे, एवं जड़ा बंदा सहाबा अहले बैत नल प्यार कर दे इस प्यार नू दिल विच रखन दी वजह तो अल्लाह उन्हों अजरे अजीम अता फरमांदा है। सुभान अल्लाह, माने होया अहले बैत नल मुहब्बत करना सवाब दा कम है, अजर दा कम है, अहले बैत दियां गल्लां करना अजर दा कम है, अहले बैत दी अजमत सुनना अजर दा कम है। हजरात गिरामी कदर आइए तवज्जो मेरे वर रखिया जे, हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का घराना हुजूर अलैहिस्सलाम के यार आपके अहले बैत, हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस आप समाअत फरमाइए।
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کا نام لے کر کے ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ کے لیے ارشاد فرمایا حضرت حسن کے لیے ارشاد فرمایا حضرت حسین کے لیے ارشاد فرمایا آپ نے چاروں کا نام لے کر کے اعلان کر کے کہا او کائنات کے لوگوں میری ان چاروں کے ساتھ محبت ہے میرا ان چاروں کے ساتھ پیار ہے میری ان چاروں کے ساتھ الفت ہے میری ان چاروں کے ساتھ عقیدت ہے میرا ان چاروں کے ساتھ تعلق ہے اور یہ بات یاد رکھنا انا حرب لمن حربان جو بندہ ان کے ساتھ لڑائی رکھے گا ان کے ساتھ بغض رکھے گا ان کے ساتھ کینہ رکھے گا اس کی لڑائی حسن و حسین کے ساتھ نہیں ہے اس کی لڑائی مولا علی کے ساتھ نہیں ہے اس کی لڑائی فاطمہ الزہرا کے ساتھ نہیں ہے جو ان چاروں کے ساتھ لڑائی رکھے گا اس کی لڑائی مجھ محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے حضرات گرامی کی طرف دیکھو تو صحیح نہ پیار دیا گلا آپ نے اگلی گل ارشاد فرمائی آپ فرمان دینے جڑا انہ چارہ نل پیار رکھے گا اندہ پیار انہ چارہ دنال نہیں بلکہ مجھ محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے اچھا بھی سبحان اللہ اچھی آکنی بات سبحان اللہ کوئی کوری سبحان اللہ اہل بیت تذکرہ سننے تے کوئی ہے نا آکھے کہ پر کوئی تسی بولو نہ کوئی سمجھے کہ تسی خوش نہیں پہ ہوندے تے لگ دے کوئی ہور بندے آ کے بیٹھ گئے ہیں تے اے تاثر نہ جاوے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی کے در اگلی حدیث سماعت کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہاں ہاں صحیح البخاری کی روایت ہے حضرت سیدہ کائنات عتیقہ کائنات عفیفہ کائنات عالمہ کائنات مفسرہ کائنات محدثہ کائنات تیری اور میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اوے آخدے نہیں نہیں میں نہیں مندا میں حضرت عائشہ نو اپنی ماں نہیں مندا میں آکھیا بابا میں تینوں انہاں دا بیٹا نہیں مندا کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے دی ماں نہیں ہے قرآن آخدے او صرف انہاں مومنہ دی ماں ہے سبحان اللہ اگر میں تینوں انہاں دا بیٹا من لواں تے مانا اے ہوئے گا کہ میں تینوں مومنہ چ شمار من لواں نہیں نہیں تو کوئی نہیں اے مومن نے جڑے فخر نہ لاکھ دے ہاں جڑے فخر نہ لاکھ دے نے کہ اسی بیٹے اما عائشہ صدیقہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ نے نقشہ بیان کر رہی ہیں آپ فرماتی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری سرکار نے نا یوں ایک کالی دھاری دار چادر اوڑی ہوئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا آواز اس چادر کے اندر نا آپ نے فجاء الحسن ابن علی حضرت حسن ابن علی آئے نا تو آپ نے اسی چادر کے اندر ان کو چھپا لیا ہے اس کے بعد ثم جاء الحسین پھر حضرت حسین آئے آپ نے اسی چادر کے اندر حضرت حسین کو بھی چھپا لیا ہے ثم جاء علی پھر حضرت علی آئے آپ نے حضرت علی کے اوپر بھی وہی چادر دے دی ہے ثم جاءت فاطمہ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا آئی فادخلھا آپ نے حضرت فاطمہ کو بھی اسی چادر کے اندر دے دیا ہے اور اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں یہ میرے اہل بیت یہ میرے گھر والے یہ میرا گھرانہ یہ میرے اہل بیت
कुरान नासिल हो गया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत। क्या माना इस आयत का? इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ने इरादा फरमा लीते, अल्लाह ने फैसला फरमा दीते। की फैसला फरमाए अल्लाह ने कि लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत, फैसला ऐ फरमाए कि अल्लाह ने रिज्स नू अहले बैत तो दूर कर दीते, नपाकी नू अहले बैत तो दूर कर दीते, गुनावा नू अहले बैत तो दूर कर दीते। और सुनो साहिवाल दे बासियो, मैनू हुक्म है गुनावा दे करीब नहीं जामना, तुहानू हुक्म है गुनावा दे करीब नहीं जाना। इमाम बुखारी है ते हुक्म है ये गुनावा दे करीब नहीं जाना। इमाम निसाई है ते हुक्म है ये कि गुनावा दे करीब नहीं जाना। इमाम तिरमिज़ी है ते हुक्म है ही है गुनावा दे करीब नहीं जाना। वड्डे तो वड्डा इमाम है ते हुक्म है ही है गुनावा दे करीब नहीं जाना। वड्डे तो वड्डा मुफ्ती है ते हुक्म है ही है गुनावा दे करीब नहीं जाना। सारी कायनात आलिया नू हुक्म है वे के गुनावा दे करीब नहीं जाना। जदो वारी अहले बैत दी आईए, अल्लाह ने हुक्म तब्दील कर दे उत्ते आग छड़िए। ओए गुनावो तुहानू हुक्म है और नजासत और पलीतगी और निजासत और नापाकी तुहानू सारिया नू हुक्म है, तुसी मेरे नबी दे अहले बैत दे नेड़े ही नहीं जाना। सुभान अल्लाह। लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैत, पाक कर छड़िया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अहले बैत नू, बोलो अहले बैत नू की कर छड़िया भाई? पाक कर छड़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़राते गिरामी कदर आइए, अब मैं तस्करा शुरू करने लगा हूँ। ये तमहीदन मेरी गुफ्तगू, अब मैं अपनी बात का आगाज करूँ। हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा, और कौन सैयदा फातिमा तज़हरा जब आया करती दरवाज़ा बज बजाया करती, आप पूछा करते मन दक्कल भाव दरवाजे पर कौन है कौन आया है। हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा अर्ज करती, बाबा मैं आई हूँ अपने अब्बा जान से मिलने के लिए आई हूँ, मुलाकात करने के लिए आई हूँ। आप अलैहिस्सलाम किसी को नहीं कहते भाई जाओ जा कर के दरवाज़ा खोलो। मैंने रिवायात में पढ़े आप खुद अपनी जगह से उठते चल कर के जाते, दरवाज़ा खोलते, अपनी बेटी का इस्तकबाल करते, आपकी पेशानी पर बोसा देते, आपको बिठाते अपनी जगह पर, अपनी कुर्सी पर बिठाते। और मैं आखना सब तो बड़ी कुर्सी इमामुल अंबिया दी, और सब तो बड़ी कुर्सी नबियां दे इमाम दी। और मेरे नबी अपनी कुर्सी अपनी जगह दे उत्ते हजरत फातिमा तज़हरा नू बिठा के कायनात दे लोगों नू ऐ तलकीन कर रहे ने कि बेटियां दा एहतराम एवें करी दे, बेटियां दी इज्जत एवें करी दीए। मेरे नबी ने बेटियां दा एहतराम करके, मेरे नबी ने बेटियां नू इज्जत दी माशरे दे अंदर। हुजूर फरमांदे ने मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल कयामती आना वहुआ व जम्मा असाबिहु। आप फरमांदे ने जिन्हों अल्लाह ने दो बेटियां अता कीतियां ने, ओ दो बेटियां दी परवरिश कर दे, अच्छी तरबियत कर दे, कल कयामत आला दिन होएगा ओ मेरे नाल एवें होएगा जैवें ए दो उंगलियां एक दूजे दे नाल ने। ओ तुहानू नहीं समझ आई ते हदीस मैं समझाना, समझ आवे ते उच्ची बोले जे। मैं आखिया आपने मिसाल दीती दो उंगलियां दी, माना ऐवे जिवें ए दो उंगलियां ने विचे तीजी उंगली कोई नहीं, एवें मेरे नबी दे दरम्यान ते उस बंदे दे दरम्यान तीजा फासला नहीं होएगा, वो मेरे नबी दे नाल नाल होएगा। सुबहान अल्लाह, बेटियां अल्लाह मेरे नबी दे नाल नाल है। हुजूर ने मिसाल दी एवें करके, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इसी वास्ते हुजूर फरमाते ने हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के लिए हुजूर ने फरमाया फातिमा तू बिजा तू मिन्नी, और फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे दिल का करार है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझ मुहम्मद अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई है। और आओ यारो कल
पीछे ही बस कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत भी की थी, प्यार भी कीते, हजरत फातिमा तस्सहरा दी तरबियत भी कमाल अंदाज नल की थी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आए, आकर के अरज करते आका कई दिन का भुखा और प्यासा वा, मैनू खाना चाहिए, मैनू रोटी चाहिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाए, हजरत सलमान पैगाम लेकर के चल पड़े हैं, जाओ जा करके मेहमान का खाना लेकर के आओ। मेरे नबी के तमाम घरों के अंदर जाकर के दरवाजा बज बजाए, किसी एक घर के अंदर से भी एक बंदे का खाना मिला कोई नहीं है। ये घर मेरे नबी का है, ये मेरे नबी का घर है, और देखो एक बंदे का खाना मुयस्सर कोई नहीं है, और ये मेरे नबी की जिंदगी है। आज तेरी और मेरी जिंदगी कैसी है? असी दौड़ लाई हो ये दुनिया कमावन वास्ते, कभी ऐसा भी हो साढ़े घर मेहमान आया हो उस बंदे का खाना मौजूद ना हो, असी आवन आलिया नस्लों वास्ते भी जोड़ छड़िए, दिन रात दुनिया कमावन पिछे ला छड़िए, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी सुबहान अल्लाह कार विच एक बंदे का खाना मौजूद कोई नहीं। मेरे नबी कई कई दिन रोजा रख करके गुजारा करते हैं, और मेरे नबी फरमाते हैं आयशा अगर मैं रब से दुआ करता अल्लाह ओहद पहाड़ सोने का बना करके मेरे पीछे पीछे चला देता, लेकिन मैनू तो दुनिया चाहिए कोई नहीं। आपने दुआ की अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना, ए अल्लाह मुझे जिंदा रखी तो मिस्कीनों में से रखी, मुझे मौत आए तो मिस्कीनों में से आए, कल कयामत का दिन हो हशर के मैदान में मेरा हशर हो तो मिस्कीनों में से हो। गरीब लोग मिस्कीना रहो हो, मेरा नबी मिस्कीना दा नबी, और मेरा नबी यतीमा दा नबी, और मेरा नबी गरीबा दा नबी। अगर मेरा नबी अमीरा दी गल करदा असी गरीब जानते थे किधर जानते। हुजूर फरमांदे ने अमीरा तो पहले गरीब कई सौ साल पहले जन्नत जावनगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर से एक बंदे का खाना मुयस्सर नहीं हुआ, एक बंदे का खाना मिला कोई नहीं है। हजरत सलमान फारसी चलते चलते हजरत फातिमा तज़हरा के दरवाजे से गुजरे हैं, आवाज लगाई हुजूर का मेहमान है, एक बंदे का खाना चाहिए। हजरत फातिमा तज़हरा ने दरवाजा खोला, बोला चचा क्या बात है? कहा बेटा आपके बाबा का मेहमान आया है, उसकी मेजबानी करनी है, एक बंदे का खाना चाहिए। आप फरमाती हैं ए चचा घर के अंदर तो खाना मौजूद नहीं है, घर के अंदर तो खाना नहीं है, हसन हुसैन भी भूखे हैं, हसन हुसैन भी कई दिनों के भूखे हैं, खाना घर के अंदर मौजूद नहीं है। आप जाने लगे, कहा चचा लेकिन मेरे बाबा का मेहमान है, खाली नहीं जाना, फातिमा के दरवाजे से भी मेहमान खाली चले जाए कैसे हो सकता है? आप यहीं रुकिए मैं अभी आती हूँ। आप घर तशरीफ लेकर के गई, अपनी चादर लेकर के आई है, कहा चचा सलमान ये मेरी चादर ले जा और फलां यहूदी के पास लेकर के चला जा, वो चादर रख करके तुझे एक शेर आटे का दे देगा, वो आटा लेकर के आ जा, मैं रोटी बना करके अपने बाबा के मेहमान को खिला देती हूँ। आप चादर पकड़े हुए यहूदी के पास चल पड़े हैं, यहूदी पूछता है सलमान क्या चाहिए? कहा ये चादर रख ले, एक किलो आटा दे दे, मेहमान की मेजबानी करनी है। कहा बतला तो सही ये चादर किसकी लेकर के आया है? कहा ये चादर हमारे नबी के, हमारे नबी की लखते जिगर की चादर है, हमारे नबी की बेटी की चादर है, ये इज्जत वाली चादर है, ये तत्हीर वाली चादर है। यहूदी की आंखों में भी आंसू आ गए, कहा मैंने भी तो रात इंजील में यही पढ़ा है कि वो अपने हिस्से का खाना भी लोगों को खिला दिया करते हैं। हाँ हाँ सलमान चादर भी ले जा, मेरा पैगाम भी ले जा कि जिसकी बेटी इतनी सखी है वो नबी कितना सखी होगा, जिसकी बेटी के अखलाक कितना आला है उस नबी के अखलाक कितने आला होंगे। चादर भी ले जा, आटा भी ले जा, और जाकर पैगाम दे दे आज के बाद मैं भी फातिमा तज़हरा के बाबा का गुलाम बन गया हूँ। सुबहान अल्लाह सुबहान तरबियत
अल्लाह ने बेटियां दीतियां ने तरबियत, सुभान अल्लाह। मैं तरबियत तरबियत की बात करूं तो आओ देखो हजरत फातिमा तज़हरा का आखिरी वक्त है, आप दुनिया से रुखसत होने लगी हैं। आपने अपने सरदार मौला अली को बुलाया, कहा सरदार मेरी आखिरी वसीयत ये है, मेरे इस चेहरे को मेरे अब्बा मोहम्मद ने देखा है, मेरे इस चेहरे पर नजर आपकी पड़ी है, मेरे इस चेहरे को हसन हुसैन ने देखा, मेरे इस चेहरे पर किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी। मेरी वसीयत ये है, मेरी वसीयत ये है कि मुझे गुस्ल आप खुद दीजिएगा, कोई और किसी और की निगाह मेरे जिस्म पर ना पड़े, मुझे गुस्ल आप दीजिएगा और मेरा जनाजा रात के अंधेरे और तरीकी में उठाइएगा। जब मेरी चारपाई लेकर के जाइए तो मेरी चारपाई के ऊपर खजूरों की टहनियां रख दीजिएगा, उसके ऊपर चादर डाल दीजिएगा ताकि रात की तारीकी में भी किसी को यह मालूम ना पड़े क्योंकि फातिमा तज़हरा का जनाजा गुजर रहा है। इतनी हया मेरे नबी ने सिखाई है, इतनी हया मेरे नबी ने सिखाई है। हज़रते गिरामी कदर सैयदा फातिमा तज़हरा, फिर तुसी एडवांस सुभान अल्लाह आखो तो फिर मैं हजरत फातिमा के हया का जिक्र करूँ। कहो एडवांस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मैनू एवें आखन दियो ना, मैं अपने प्यारे भाई मोहतरम जनाब मौलाना रेहान असलम साहब का हुक्म पूरा करता चला जाऊँ कि हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खून हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला जो तुझको मुकाम ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी, जो होगी तेरे कदम की मट्टी, हम सब के सर का है ताज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुक्स रखे, जो तेरे शोहर से बुक्स रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा, शब्बीर शब्बर दियम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, ए फरिश्ते हैं तेरे कम सहरा, रब नु सजदा करम दी खातिर, ए रात मंग दी ये लंबी सहरा, पढ़ दे थियां दे कज्जन हाली, जनाब ज़ैनब दी अम्मी सहरा, हया दी मलका बुतूल सहरा, तहार दादा उसूल सहरा, हसनो हुसैन दे हुबदारा दा सलाम कर ले कबूल सहरा। हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं फातिमा तू सैयदा तू निसाए अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। आइए हजराते गिरामी कदर मैं अगली गल करा, अब मैं मौला अली का तस्करा करने लगा हूँ, जिन्होंने शेर खुदा का तस्करा सुनने वो शेर बन के आखन सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस से मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ हजराते गिरामी कदर, ये बड़ा मोतबर स्टेज है, इधर उधर की बात नहीं। हदीस से मुस्तफ़ा तिरमिज़ी की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मन कुंत मौलाहु फअलीयुल मौला, गदीर खम के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला अली का हाथ पकड़ करके ऐलान करते हुए कहा कि मन कुंत मौलाहु फअलीयुल मौला, और जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं वहाबी गल कर रहे, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। क्या माना मौला का, मौला के अरबी जुबान के अंदर बहुत से माने पाए जाते हैं, मौला का माना रिश्तेदार भी है, मौला का माना मददगार भी है, मौला का माना उस्ताद भी है, मौला का माना गुलाम भी है, मौला का माना चचाजाद भाई भी है, मौला का माना सुबह का साथी, मौला का माना दोपहर का साथी, मौला का माना मोहब्बत वाला प्यार वाला। मेरे नबी यहाँ पर इस माना में इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस बंदे नू मेरे नल प्यार है उन्नू मौला अली नल प्यार करना पोसी। ए नहीं उस
सकता। तुसी आखो नबी नल प्यार है, अली नल प्यार कोई नहीं, ना ना अली मुझसे जुदा नहीं, मैं अली से बोलो जुदा कोई नहीं। जिस दिल दे विच हुजूर दा प्यार है, मौला अली दा प्यार होना लाजमी है। हजराते गिरामी कदर अगली बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने वाज़े करके इरशाद फरमा दी है। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा वाली मन वालहू, ए अल्लाह जो हजरत अली से दोस्ती रखे तो उसको अपना दोस्त बना ले। माना है ए होया जो मौला अली नल प्यार करते और रब दा दोस्त है, रब दा वली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली गल भी आप फरमांदे ने वादा मनादहू, जेड़ा दुश्मनी रखे ना अल्लाह तू उस बंदे दा दुश्मन बन जा, उनका कोई खाता नहीं, फिर वो बच कोई नहीं सकता। हजरात गिरामी कदर आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर रवाना कीते, एक लश्कर का अमीर बना करके हजरत मौला अली को भेज दिया है। मौला अली जाने लगे ना, अभी निगाहों से दूर नहीं गए, मेरे नबी ने हाथ उठा दिए और दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा ला तुमितनी अला तुरियनी अलिया, ए अल्लाह मुझे तब तक अपने पास ना बुलाना जब तक मैं अपने भाई का दोबारा चेहरा ना देख लूं। हजरत अली की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने भाई से बड़ा ही प्यार करते हैं। हजरत गिरामी कदर हिजरत, हिजरत के 5 साल के बाद हजरत गिरामी कदर 10,000 के काफिरों ने मदीने पर हमला कर दिया है। 10,000 काफिर मदीने पर हमला आवर हो चुके हैं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मशवरा फरमा रहे हैं, आपने मशवरा हजरत सलमान फारसी से किया, आप सहाबाए किराम ने मशवरा दिया कि खंदक खोद ली जाए, खंदक खोद ली गई है हजरत गिरामी कदर ताकि कोई काफर इस पासे ना आवे, काफर उधर रवन ते मुसलमान इधर रवन। हजरत गिरामी कदर एक बंदा अब हजरत एक बंदा जिसका नाम है अमर बिन अब्दवत, बहुत बड़ा पहलवान है, उसने अपने घोड़े की छलांग लगवाई और वो पार करके इस तरफ आ गया है और आकर के नारा लगवाता है, आकर के आवाज़ा लगवाता है, ओए है कोई मुसलमान जरा मेरा मुकाबला करन वास्ते अगे वधे, कोई है नौजवान जिंदे विच इन्नी हिम्मत होवे। हजरत गिरामी कदर जब उसने ऐलान किया है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कौन जाएगा, हजरत मौला अली खड़े हुए, कहा आका मुझे इजाजत दीजिए। आप फरमाते अली आप बैठ जाइए, वो बहुत बड़ा पहलवान है, आप तशरीफ रखिए। उसने फिर ऐलान किया है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, हजरत अली फिर खड़े हुए, अर्ज करते आका इजाजत दीजिए ना मुझे, कहा अली आप बैठ जाइए। उसने तीसरी बार फिर ऐलान किया है, हजरत अली फिर खड़े हुए, कहा आका मुझे इजाजत दे दीजिए, अगर इजाजत ना मिली तो सारी जिंदगी अली को अफसोस रहेगा कि काफिर बच करके कैसे चला गया, मुझे इजाजत। और शेर खुदा एवं नहीं आख देना, मेरे आका ने इजाजत दी है, तवज्जो मेरे पर रखिया जे, सिर्फ इजाजत नहीं दीती, मेरे आका ने अपनी तलवार भी कट के दीती है, आखिया तलवार भी नबी वाली लेके जा। तलवार हजरत मौला अली ने पकड़ लिए, अब मैदान में उतर पड़े हैं, मेरे आका दुआ कर रहे, मेरे आका ने सर सजदे में रख दिया। हजरत अली मैदान में पहुंचे, मेरे नबी दुआओं में पहुंच के मेरे नबी दुआ कर रहे हैं। इसी असना में देखते क्या है, अमर बिन अब्दवत ने ऐलान करते हुए कहा और जा नौजवान वापिस चला जा, वापिस चला जा, वापिस चला जा, तुझे पता नहीं है मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। हजरत अली कहते हैं अरे तू वापिस चला जा, तू वापिस चला जा। कहने लगा अगर मैं वापिस चला गया तो मुझे मक्का की औरतें ताने देंगी कि खाली वापिस आ गया है। आप फरमाते ने अगर मैं वापस चला गया तो मैनू जन्नत दियां हूरां ताने देवनगियां, शेरे खुदा होके वापस आ गए। मुकाबला शुरू हुआ, हजरत गिरामी कदर उसने वार किया है, उसने वार किया, खाली गया, आपने एक ही हाथ से पकड़ करके उसको जमीन पर गिरा करके दो टुकड़े कर दिया है। वहां पर हुजूर दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे सहाबा मंजर देख रहे हैं, उसके दो टुकड़े हुए, सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया, जमीन पर सहाबा ने नारे तकबीर
फरिश्तों ने आसमान पर तकबीर बुलंद की है, कहा आका दुआओं की बस कर दीजिए, अल्लाह ने हमें फतायाबी से नवाज दिया है। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। हजरत गिरामी कदर मौला अली शेर खुदा हजरत अली गुल मुर्तदा और मैं केड़ी केड़ी गल करा, मैनू तो हजरत ने मौजू ही चार पांच दे छड़े ने। सुबहानअल्लाह, इन्होंने आख्या बड़ी मुश्किल हालत इन्हें तो अभी चार पांच कट्ठी पढ़वा ली। सुबहानअल्लाह, हजरत शेर खुदा हजरत अली गुल मुर्तदा, मेरे आका ना एक रोज मुसलमानों को ना आपस में ना सहाबा को मुहाजिर अंसार को एक दूसरे का भाई भाई बना रहे, सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। हजरत अली अकेले रह गए, हजरत अली को किसी का भाई नहीं बनाया, हजरत अली अकेले रह गए। अर्ज करते आका आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, मेरे आका फरमाते अली परेशान क्यों होते हो, अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा, अली कोई किसे दा वीरे कोई किसे दा वीरे, तू मेरा वीरे दुनिया दे विच वी ते आखरत दे विच वी। अली मेरे नबी दा वीर है, बोलो अली मेरे नबी दा किसे कोल एहो जा वीर है ते लै के आओ। सुभान अल्लाह, अली मेरे नबी दा वीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखे, फिर मैं अपने भाई का हुक्म पूरा करने लगा। आपने मोहब्बत का सबूत देना है। हजरात गिरामी के लोग ही आखते ने असी बहुता मनने, असी बहुता मनने। मैं आख्या की मनते हो, हजरत अली गुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अनहु को बहुता मानते। मैंने कहा कैसे मानते हो, हैं अजीब अंदाज हमने भी देखा, भंग पी के चर्च पी के गंदगी के ढेर में बैठ के नारा लगा रहे हजरत अली का, हैं जुबान पलीत है और नाम पाक ले रहे, शर्म हया कोई नहीं आंदी। मौला अली दा नाम सजदा उदो है जो वजू करके लिए मसीत विच वर के लिए ते मिंबर ते चढ़ के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा हम मानते हैं, हम हजरत अली को शेर खुदा मानते हैं, हम हजरत अली को शेर जली मानते हैं, हम हजरत अली को हैदर करार मानते हैं, हम हजरत अली को असदुल्ला मानते हैं, हम हजरत अली को हुजूर का दामाद मानते हैं, हम हजरत अली को बतूल का शोहर मानते हैं, हम हजरत अली को हसनैन करीमैन के बाबा मानते हैं, हम हजरत अली को अपने नबी का जानिसार मानते हैं, हम हजरत अली को कारी कुरान मानते हैं, हम हजरत अली को हाफिज हदीस मानते हैं, हम हजरत अली को जन्नती नौजवानों के सरदार के बाबा मानते सुभान अल्लाह। असी मनने आ और जिमें असी मनने आ ओवें कोई नहीं मनता। मैनू फिर एवें आखन दियो, मैंने कहा हम ऐसे मानते हैं, मैं यूं कहूँ तो इंशाल्लाह आइंदा साल तक पूरे गांव में कोई ये नहीं कहेगा कि हम ज़्यादा मानते। मैंने कहा यूं कहिए ना कि मन कुंतु मौला अली अली, मन कुंतु मौला अली अली, आका ने बोला अली अली, आका ने बोला अली अली, है पीर हमारा अली अली, है पीर हमारा अली अली, मंजिल का सितारा अली अली, सुनियो ने पुकारा अली अली, हमें जान से प्यारा अली अली, ईमान की निशानी अली अली, अपनों की जुबानी अली अली, कुलजम की जवानी अली अली, तौहीद का दाई अली अली, आका का सिपाही अली अली, आका का सिपाही अली अली, सिद्दीक का भाई अली अली, फारूक का भाई अली अली, उस्मान का भाई अली अली, अम्मा आयशा का बेटा अली अली, अम्मा आयशा का बेटा अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, है कुफर पे भारी अली अली, कुरान का कारी अली अली, खैबर की जंग में अली अली, असहाब के संग में अली अली, है अजीम जहां में अली अली, मोमिन की जुबान में अली अली, रब्बे काबा दी कसम है यारो, जिस दिल दे विच मौला अली दा प्यार कोई नहीं है, ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन नहीं हो सकता। रब्बे काबा दी कसम है, और मैं ते आखना मैं उस दिल नू अपने सीने दे विचो कढ़ के बाहर ना सुट देवा जिस दिल दे विच मौला अली दा प्यार ना होवे। ओए साडी ते उदों तक नमाज मुकम्मल नहीं होंदी
दी। जो तक असी अहले बैत ते दरूदो सलाम ना पढ़ लीए पर मैनू एवे आखन देना कि अली नू बूत राबा देन, अली नू बूत राबा देन, अली नू लाजवाबा देन, अली दे नाल हुब रखना, ईमान वाले सवाबा देन, अली मयार जुर्रत दा, अली शेर खुदा दा है, अली दी अदा अंदर नबी दी अदा भी है, अली दस्तार वलिया दी, अली किरदार नबिया दा, अली मोमंद रहबरे, अली प्रचार नबिया दा, अली वहदत दे गुलशन दा, गुलाब आखां ते ठीक हो सी, अली सारे सहाबा दा प्यार आखां ते ठीक हो सी, अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो कदी दोजक नहीं सड़ सकदा, नबी दा हर गुलाम आखो अली वलिया दा मौला है, वली मौला नू ना आखो अली साईं गुलशन दा कली मौला नू ना आखो, अली नू पीर जे मन दें ते शिकवे छोड़ यारां दे कसीदे खुल के पढ़िया कर सदा चौवां ते सारां दे। हज़रत अली कुल मुर्तदा रदी अल्लाह तआला, और आओ बारी आई हज़रत हसनैन करीमैन की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हज़रत हसनैन करीमैन की बड़ी अज़मतें हैं, लेकिन जो इनके बाबा है ना वो इनसे भी ज्यादा आला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर मेरे आका मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आए भागे भागे आकर के अरज करते आका आपकी बेटी के घर में बेटा पैदा हुआ है, आपकी बेटी को अल्लाह ने बेटा अता किया है। मेरे आका बड़ी जल्दी जल्दी चल करके हजरत फातिमा तज़हरा के घर पहुंचे हैं, यूं मेरे आका ने हजरत हुसैन को अपनी गोद के अंदर उठा दिया है। उन तवज्जो मेरे वर रखिया दे, हजरत हुसैन अपनी नन्नी नन्नी आंखें खोल करके मेरे आका का वद्दुहा वाला मुखड़ा देख रहे हैं, और मैं आखना हजरत हसन ने हजरत हुसैन ने हजरत इमाम हुसैन ने अख खोल दिया नाल ही उस चेहरे की ज़ियारत की थी है जिस चेहरे नु ईमान दी हालत विच वेख लीता जाए अल्लाह जहन्नुम दी अग नु हराम कर छड़ दे। आप ना बोलते नहीं आ मेरे, अब मैं मौजू तब्दील कर दिया फिर ठीक है, होर कोई होर जी गल तो समझ आती वो कर लेने, अगर है नहीं आती अगर तुम इन ते नहीं खुश होंगे तो आप होर कोई गल कर लें। यू टर्न लेना भी आंदा सर, उची आखो सुभान अल्लाह, वो सारे नहीं बोलते सारे आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन मेरे नबी की गोद में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा वक्त गुजरा है, गुड़ती देने का वक्त आया ना, मेरे नबी ने ये नहीं कहा जाओ शहद लेकर के आओ, हुसैन के मुंह के अंदर शहद डाल देते हैं, बल्कि मेरे नबी ने खजूर का हिस्सा लिया उसको अपने मुँह के अंदर चबाया, चबाने के बाद जब वो लुआब बन गया मेरे नबी ने वो लुआबे दहन निकाला हजरत इमाम हुसैन के मुँह के अंदर डाल दिया, और मैनू आखन दियो हजरत हुसैन के पेट के अंदर जो सबसे पहली खजा पहुंची है वो मेरे नबी का लुआबे दहन पहुंचा है, और ये वही लुआब है जो जब सिद्दीक की एड़ी पर लग जाए अल्लाह शिफाएं अता कर दे, मौला अली की आंख पे लग जाए अल्लाह शिफाएं अता कर दे, और अगर कड़वे कुएं में गिर जाए अल्लाह कड़वे कुएं को मीठा करके रख दे। तुसी बड़े सियाने हो, तुसी आखते हो पुत्र मेरा बड़ा चंगा है, भतीजा मेरा बड़ा चंगा है, क्यों चंगा है भी इन गुड़ती मस्जिद दे इमाम ने दी है, इन गुड़ती मुफ्ती साहब ने दी है, इन मुफ्ती रब दे वली ने दी है, तो मैं आखिया उन्हों की अजमत का आलम की होएगा जिन्होंने गुड़ती नबिया दे इमाम ने दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुण थोड़ा अरसा अगली गल आखा, अगली गल थोड़ा अरसा गुजरा ना हजरत अली ने ना अपनी मर्जी से हजरत हसन और हुसैन का नाम ना अपनी मर्जी से रख दिया, एक का नाम हमजा रख दिया, एक का नाम जाफर रख दिया, अपनी मर्जी से नाम रख दिए है। थोड़ा वक्त गुजरा ना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद जिब्रील आ गया, जिब्रील आकर के अरज करता है, जिब्रील आकर के अरज करता है पैगाम लेकर के आया मेरे नबी, पैगाम लेकर के हजरत अली के पास पहुंचे हैं, अली बता तो सही तूने नाम क्या रखा है, कहा आका हमजा रखा है, जाफर रखा है, कहा नहीं 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 वो नहीं मानता है, वो नहीं मानता है, उसने पैगाम भिजवाया है इन्नल्लाह अमरनी, अल्लाह ने हुक्म फरमाए, अल्लाह ने आर्डर
फरमाया इन अल्लाह अमरनी अन उगैरा इस्माहा ज़ैनी फसमाहुमा हसनन व हुसैना। अल्लाह ने आर्डर किते जाओ मेरा सोना नबी दोवां दे नाम तब्दील कर दे, एक दा नाम हसन रख दे दूजे दा नाम हुसैन रख दे। रख हुजूर रहने तेरे खबार रब्बे की बरिया रहे हैं। सुभान अल्लाह, अजमत देखो ना। सुभान अल्लाह, तारीख दे विच हजरत आदम अलैहि सलाम तो लेके हुजूर तलक तारीख विच तुहानू ना हसन मिलेगा ना हुसैन मिलेगा। किसी बंदे दे जहन ख्याल विच आया ही कोई नहीं, रब ने संभाल के रखिया सी मेरे नबी दे नवासे होवनगे उन्हां दोवां दा रखिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत हसनैन करीमैन से बड़ा ही प्यार करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बल हसना वल हुसैना फकत अहब्बनी, जिसने हसन व हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया अहब्बहुल्ला कायनात का परवरदिगार उस बंदे से प्यार करेगा। और मेरे नबी की दुआओं को आप चेक करें, मेरे नबी दियाँ तुम दुआवा वेखो। जो अहले बैत की वारी आई है ना, जो मेरे नबी के घराने की वारी आई है, जो हजरत फातिमा की वारी आई, हजरत अली की वारी आई है, हसनैन करीमैन की वारी आई है, मेरे नबी दुआवां का अंदाज तब्दील हो गई है। हुण मेरे नबी बार बार यही दुआ करते हैं ऐ अल्लाह जड़ा फातिमा नाल प्यार करे उस दे नाल तू प्यार कर, जड़ा अली नाल प्यार करे तू उन्हू अपना महबूब बना लै, जड़ा हसन हुसैन नाल प्यार करे तू उस दे नाल माना ऐ होया, जड़ा अहले बैत नाल प्यार कर दे अल्लाह उस बंदे नाल प्यार कर दे। हजरत गिरामी कदर हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन, आओ देखो ना एक अजीब मंजर मैं आपके सामने रखता हूँ। एक रोज ना हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा ने हजरत हसनैन करीमैन को तैयार कर दिया, जाओ अपने नाना से मिल करके आओ। हसनैन करीमैन ना अपने नाना से मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत अली साथ बैठे हुए हैं। हजरत हसनैन करीमैन जो नेड़े पहुंचे ना नेड़े पहुंचे ते दोवां दी आपस दे विच लड़ाई हो गई, आपस दे विच इख्तिलाफ हो गया। हजरत हसन आखते ने पहले नाना नू जफी मैं मारनी है, हजरत हुसैन आखते ने पहले नाना नू मैं जाकर, जैसे बच्चे छोटे करते होते पहले नाना से मैंने मिलना है। हजरत हसन कहते हैं मैंने मिलना है। हजूर फरमाते ने ओए लड़ो ना असी तुहाडा फैसला कर देने। हजूर ने फैसला फरमाए आ फरमा ने ढोडी दोवां दी कुश्ती करवा देने, जड़ा जित जाएगा पहले नाना नाल ओ आ करके मिलेगा। सुभान अल्लाह, ओए आखो सुभान अल्लाह। कुश्ती होवन लगी है जन्नत दे नौजवानां दे सरदारां दी कुश्ती होवन, मैदान सज गए कुश्ती शुरू हो गई है। जो कुश्ती शुरू हुई ना ते मेरे नबी बार बार एक ही जुमला आखते ने आई हसन खुद हुसैन, आई हसन खुद हुसैन, आई हसन खुद हुसैन। बेटा हसन पकड़ो हुसैन को, बेटा हसन पकड़ो हुसैन को, बेटा हसन पकड़ पकड़ हुसैन को पकड़। हजरत अली बोले कहा लगता है आका आपको हसन से ज्यादा प्यार है, आपको लगता है हसन से ज्यादा प्यार है, आप बार बार हसन से कहते हैं पकड़ो हुसैन को, आप हुसैन से नहीं कहते पकड़ो हसन को। हुजूर फरमाते हैं या अली इन्नका ला तदरी, और अली चुप कर जा, ओए तू नहीं जानता। मैं अली को फरमाया चुप कर जा तू नहीं जानता है, मैं हसन से कह रहा हूं पकड़ो हुसैन को, मेरे साथ जिब्रील बैठा हुआ है जो हुसैन से कह रहा है पकड़ो हसन को। माना ऐ होया मैं हसन वाला जिब्रील हुसैन वाले। आखो ना सुभान अल्लाह, थोड़ी सुभान अल्लाह ने मैनू मेरा मजा आ रहा तुम टोटा कोई नहीं आ रहा मैनू, तुझे आखोगे भाई उपर खैर है कोई नहीं जरूरी तो नहीं दोवा नू आवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो अहले बैत की मोहब्बत में गुम होकर के गुफ्तगू कर रहा हूँ तो तुझे भी उस तरह। हजरत गिरामी कदर तवज्जो हजरत हसनैन करीमैन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मुझे यूँ कहने दीजिए ना, मैं ऐवें आखा कि मैंने दिल से पूछा है, मैंने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, शान अहले बैत देख सभी के
के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, कोई नहीं हुसैन सा, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। और आओ अगली बात करूँ और बात इख्तिताम की तरफ ले करके चलूं। एक फरिश्ता रब की अदालत में हाथ बांध करके अर्ज करते हैं, अल्लाह मैं ज़मीन पर जाना चाहता हूं, मुझे ज़मीन पर जाने की इजाज़त दे दी जाए। अल्लाह पूछते हैं क्यों जाना चाहता है, अर्ज करते हैं अल्लाह मुझे मालूम पड़ा है वो नबियों का इमाम दुनिया कायनात में तशरीफ़ ला चुके हैं, मेरा दिल चाहता है आयु सलीमा अलैया मैं जा कर के उस नबी का दीदार करूँ, उस नबी को जा कर के सलाम करूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम इसका तारुफ करवा रहे हैं, आप फरमाते हैं फरिश्ता आए पहली मर्तबा आए रब को लो इजाजत लेकर के आए मेरा दीदार करने वास्ते आए मैनु सलाम करने वास्ते आए, अल्लाह ने इस्तेहाद पैगाम भिजवाए और मेरा सोना नबी सिर्फ तू ही हसन हुसैन नल प्यार नहीं करदा बल्कि तेरा परवरदिगार भी हसन हुसैन नल प्यार कर दे, इसी वास्ते में कानून बना छड़िए इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना के मैंने हसन और हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया है। फिर मैंने आखन दियो ना कि हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले तो दिल दी तख्ती दे तख्त उठे, हुसैन दा कोई उसूल लिख ले हुसैन जैनब दी अख्त तारे, हुसैन भाई हसन दा प्यारे, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़े, हुसैन जहरा दा फूल लिख ले, जमीन बदले जमाना बदले साकी बदले मेखाना बदले मगर ना बदले हुसैन हक तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा ए हक नु करके कबूल लिख ले, हुसैन आबिद हुसैन जाहिद हुसैन साजिद हुसैन माजिद हुसैन आलिम हुसैन फादिल हुसैन जिगरे बुतूल लिख ले, हुसैन साबिर हुसैन शाकिर हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले, ओ ए गिनती शिमती दा रौला छड़ दे नबी दा सारा घराना पाके। आओ हजरात गिरामी किधर सिर्फ दो पाक नहीं चार पाक नहीं मेरे नबी दा सारा घराना पाके, मेरे नबी दा सारा यराना पाके, कायनात का परवरदिगार हम सबको सहाबा और अहले बैत से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह।